हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोशलाइजर। तो सोशलाइजर में आज हम आपको इथियोपिया में करंट में सिविल वॉर की जो चांसेस उभर के आए हैं उसके बारे में बताएंगे, किस वजह से ये सब हो रहा है और वहाँ पर क्यों टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में ऑल द इंफॉर्मेशन देंगे रिलेटेड टू हिस्ट्री और करंट की सिचुएशन इन ओनली एंड ओनली 5 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो इसके पहले हम इथियोपिया की हिस्ट्री और जो सिविल वॉर क्यों हो रहा है इसके बारे में हम जानें। इसके पहले हमें ये जानना है कि अभी करंट में हुआ क्या है। तो अभी करंट में कुछ ही दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि इथियोपिया के जो फाइटर जेट्स थे उन्होंने इथियोपिया की जो नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है उसका, जिसको टिगरी रीजन बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने बॉम्बार्डिंग की और इस बॉम्बार्डिंग में बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये रहा इथियोपिया का मैप और यहाँ पर आप टिगरी रीजन इसको देख सकते हैं अपर हाफ में, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री। तो ये जो टिगरी रीजन है यहाँ पर करीब 6% ऑफ इथियोपिया पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। कुल मिलाकर इथियोपिया में 110 मिलियन पीपल रहते हैं और उसकी 6% पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, टिगरी रीजन में है। तो अब ये जो एक्चुअली जो कन्फ्लिक्ट है ये वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट और जो इस रीजन की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में हो रहा है। ये पावर से रिलेटेड एक कन्फ्लिक्ट है और इसकी जो सिचुएशन है, इसकी जो जड़ें हैं वो 1970s और 80s से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं और हिस्ट्री को समझते हैं कि क्या आखिर में ये कन्फ्लिक्ट आ क्यों रहा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1970s और 1980s के पहले, जब इथियोपिया में वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी और उसको हराने के बाद जो टिगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट था, जिसको TPLF के नाम से भी कहते हैं, ये एक लीडर की तरह इमर्ज हुआ कोलेशन में, जो 1991 में पावर में आया इस कंट्री में और जिसने आगे चलकर एक डेमोक्रेटिक सरकार बनाई। ये कोलेशन का नाम था इथियोपियन पीपल्स रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो 4 मेन पॉलिटिकल पार्टीज को रखता था और इसकी जो नीति थी वो फेडरलिज्म को बहुत सपोर्टिव नीति थी, यानी कि स्टेट्स को साथ लेके चलना इनकी बात करते थे ये लोग। और इसने सिग्निफिकेंट पावर दी इथियोपिया के जो रीजन्स थे, जो छोटे छोटे रीजन्स थे उनको पावर ट्रांसफर करने की बात इन्होंने की। अब 1991 के बाद से यहीं के लीडर, जिनका नाम था मेलेस जिनावी, वो ही इथियोपिया को कंट्रोल करते आ रहे थे। वो एक टिग्रियन थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था अपने नेशन में। उन्होंने ट्रिब्यूलेंट जो रीजन्स थे उनको कंट्रोल में लाया था और एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उन्होंने की थी। लेकिन इनकी एक बुराई ये थी कि इन्होंने अपने अपोजिशन को, जो भी इनको अपोज करते थे उनको इन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की और इसकी वजह से क्या हुआ कि एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा रेज हो गए 2012 के बाद। इसके बाद हमारी कहानी में आता है हमारा सेंट्रल किरदार, जिसका नाम है एबे अहमद, जो करंट में भी इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने 2018 में पार्टी को लीड किया और प्राइम मिनिस्टर बन गए। एंड अपने पावर में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि जितनी भी लोग टिगरी रीजन से आते थे, जो टिगरी एथनिक लोग थे, उनको पोजीशंस जो पावर में दी गई थी उससे उन्होंने हटा दिया। और इसके बाद कई लोगों को इन्होंने करप्शंस और सिक्योरिटी रिलेटेड क्रैकडाउंस को लेकर अरेस्ट करा दिया, जो टिगरी रीजन से आते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही डीप टेंशंस क्रिएट हो गए बिटवीन द टिगरी रीजन्स एंड द फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए, जो मिस्टर एबे अहमद थे, इनका जो आइडियोलॉजी थी वो इनके पिछले जो लीडर्स थे उनके एकदम डिफरेंट थी। इनका ये मानना था कि हमारे जो रीजन हैं उनकी ऑटोनॉमी हमें कम करनी होगी और जो सेंट्रलाइजेशन के आइडियाज़ हैं, जो सेंट्रलाइज पावर है उसको पुश प्रोवाइड करना होगा। इसको लेकर ऑफकोर्स जो टिगरी के जो टेरिटरी थी, जो टिगरी का जो रीजन था, उसमें कई बार टेंशन देखने को मिले इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ। अब फाइनल नेल इन द कॉफिन तब आया जब अभी करंट में, जब टिगरी रीजन के लोगों ने ये डिफाई कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को और वहाँ पर लोकल इलेक्शंस जो थे उसको उन्होंने कंटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि इलेक्शंस ना किए जाएं, कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी, वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने बात नहीं मानी और इलेक्शंस करवाना शुरू कर दिया। अब इसके रिस्पांस में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा कि हम 6 मंथ की इमरजेंसी लगा देंगे टिगरी रीजन में। और आप देख सकते हैं साफ साफ कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन बढ़ रहे थे। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ये कहने लगी कि जो नॉर्दर्न कमांड के जितने भी सैनिक हैं वो रिबेलियन पे उतर आए हैं और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट, या कह सकते हैं
रीजनल गवर्नमेंट के तरफ वो चले गए हैं। तो यहाँ पर साफ है कि पावर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट में। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं ये बता दूँ कि जो मिस्टर अबे अहमद है, इनको 2019 में नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है। एंड अब उनके द्वारा ऐसा करना बहुत ही स्ट्रेंज वर्ल्ड कम्युनिटी को लग रहा है। खैर, इसको लेकर फर्दर डेवलपमेंट्स अभी बाकी हैं। क्या सच में ये सिविल वॉर को आगे बढ़ेगा कि नहीं, ये अभी देखना बाकी होगा। आई होप ऐसा कुछ ना हो। एंड जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते रहेंगे। तब तक रहिए कनेक्टेड टू द सोशलाइजर। साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।